काय फोटो ना लाओ तो काय क्वेश्चन नसतो झगड़ा होता है एक साथ, तो आग लगा उसके अंदर, तो हाँ ताकत तो लगा पहले, पूरी ताकत लगा, हाँ जलाओ उसको और तेजी से, और नहीं शक्ति लाओ तुझे तो कितने आयदार, जोर से हाँ जोर से और जोर से जलाओ उसको तेजी के साथ। अब क्या पायरा पड़ रहा, क्या लगा पूरी ताकत पहले, हाँ और जोर से पूरी ताकत, हाँ हाँ खिलाए वाला उसको, हाँ काशा मधी खाओ घातले होते, तेला काशा मधी खाओ घातले होते, मरता है पोट दुखाले, चला उसको तेज एक साथ गिलास में पानी लो, उसको दम करके पिलाओ, मांडे के नहीं जकड़ो उसको तेज, यहाँ गिलास कहाँ गया, यहाँ कहीं सुन तिरो, मरता है जकड़ो उसको और तेज से, आयो मरता है हाँ 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 कुटून आन ले होते, थोड़ा शमशान से कब्रस्तान से कुटून आन ले होते, हाँ बहुत जल्दी उसको जला देता हूँ, पूरा जला जला उसको तेज से, आग लगा उसके अंदर और तेजी से, जलाओ तेजे मधी खूब आग लगाओ, बक्कल आग लगाओ तेजे मधी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह मुफ़रद समुद्रात वलार्ज़ानी मुल्क़ बिशहादत अंतर रहमान रहीम, अल्लाह मन्नी अहदु इलैक फी हाज़िही الحयात الدنيا شهد الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلا نفسي وعينك تكلني إلا نفسي وغرب من الله الشر ضم من خير لا تكل الله ورحمتك فاجعل عندك أحدا توفي عندك أحدا توفي إلا يوم القيامة إنك لا تخلف في الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جلاو उसके अंदर और तेजी से आग लगाओ, हाँ हाँ और जोर से जोर से और जोर से और जोर से एटीट्यूड और जोर से बता तेरा, कमी नाही हाँ मी काय कमी नाही, कुठून आला होता मी, कुठून येवो काय येवो, असा जाळा त्याचे हात कापून टाकतो मी, त्याचा हात जाळून, हीच कमी नाही बघ, पिलाओ गट करके, गटकाओ उसको पानी, उसके पेट में से आग लगाओ, जैसे पोटा मध्य आग लावा, झगड़ा तेज पोटा मध्य आग लावा तेजे, हाँ निकाल उसको, निकाल वो निकाल, झाड़ा तेज पोटा मध्य आग लावा खूब बक्कड़, हाँ चलाओ उसके पेट में से आग लगाओ, हाँ जलाओ जलाओ जकड़ लो उसको पेट में से, हाँ जलाओ उसको, पता है दुआ के पानी की ताकत, जकड़ो उसको और तेज से, अरे मायो जला तेज पेट में दी खूब आग लावा, जलाओ उसको और तेज से, जलाओ उसको और तेज से, जलाओ जलाओ खूब उसको पोट में से आग लगाओ, मारो उसको खूब जला के, जलाओ टेढ़ा कर दो उसके हाथ, आओ दोनों टेढ़े करो हाथ, जकड़ो उसके हाथ, आओ टेढ़े करो, हाँ जलाओ तेज जलाओ उसके दोनों हाथ टेढ़े करो, उल्टा करते चाहिए, हाँ जलाओ इधर का दबा तो पड़ो जाते चालू करूंगा विचार में, जगड़ो जगड़ो उसको और तेजी से, जगड़ो उसको और तेजी के साथ, शमशान कब्रस्तान कहां से, कहां से लाए थे, शमशान से कब्रस्तान से कुठून आणले होते तुला सांग ना।
हाँ चल बोल कौन डाले थे कुठून आणले होते मी घेऊन जातो कवा घेऊन जाणार होता तुला तिला घेऊन जातो कवा घेऊन जाणार होता कबली जाने वाला था मी घेऊन जाणार कवा तिला मुदत आहे मुदत आहे मुदत आहे तिला बरोबर किती वर्षची मुदत होती ते किती साल की हा दोन वर्ष की आतापर्यंत किती टाइम झाला दोन महिने बाकी आहे फक्त दोन महिने बाकी आहे दोन महिने आणि तुला तू त्याचा जीव कशा घेणार आहेत ते त्याला सोसाईट करून मारणार का बिमारीवर टाकून कसा का एक्सिडेंट करून कसं मारणार सांग तू ठीक आहे उसके हाताच्या कडलो उसके काट के ले लिंगे मी है की नाही लिहून लिहून दिला पहिलाच झुरून 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 अशी होती लय रुबाब छिनाला लय हंकास लय रुबाब कशी दिसत होती तुझी हिची काय दुश्मनी नाव काय नाम काय आहे जयश्रीची तुझी काय दुश्मनी जयश्रीची तुझी काय दुश्मनी कशामुळे तू त्याचा जीव घेणार आहे मला बघलं की त्याला अंगाची इस्तू इस्तू होते इस्तू कमी हात नको हा खरं खरं सांग काय सोडणार नाही तुला खरं खरं सांग कापून टाकतो तुला अरे चूड़िया बालियां पिना के नहीं लाना पेशेंट को चूड़िया वो सब हाथ में वो जाते टूट जाते इसलिए सख्त मना रहता बाहर से हाँ खर खर संग खर खर संग खर खर संग कशा मे दिखाओ घात ले होते ला जे विचार लेते से जवाब दे का कशा मे दिखाओ घात ले होते जय श्री बाईला तेन सांगते कहीं में मिला खिलाए थे कहीं में मिला खिलाए थे पूरा जला देता हूँ जल्दी बोल हाँ जय श्री बाईला कशा मध्ये खाऊ घातले होते कशा मध्ये खाऊ घातले होते डाळी मध्ये जोर से बोल डाळीत जोर से डाळी जोर से डाळी कशाची डाळ होती ते मुगाची डाळ मुगाची डाळ टाकलो आणि त्याचा काय घेऊन गेले होते तुला जादू करायसाठी त्याची मुदत बनले तर काय घेऊन गेले होते त्याच्या कपडा केस बाल मट्टी काय कपडा कपडा रक्ताचा कपडा नेलो रक्ताचा कपडा माणूस नेला बाई को नेली ते बाईचो मी बी तू भी बाईच आहेत का जादू करणारी बाईचो मीच करणारी बाईचो कपड़ा बच्चों को गाती मार लो गाती समंदर पागल के लो हाँ उसके बच्चों को उसके बाप को सबको करे समंदर पागल के लो इला समंदर भोतर बसर मड़े बसर भोतर बसर रहते समंदर पागल के लो मोटे पुरले हाँ। नहीं पागल के लो हाँ काय के लेते ला मोटे पुरले ये देना के लो हाँ धापली पोरगी एवढं छिन्नर हाय तिला डॉक्टर करणार होती छिन्नर डॉक्टर डॉक्टर आमच्या बरोबर गोड गोड राहते आम्हाला पत्ता लागू दे ना डॉक्टर बनणार डॉक्टर रुबावर राहते रुबावाला तिच्या कशामुळे तुझी त्याची काय दुश्मनी उसके बच्चे कुछ भी बनिए पढ़ के क्यों जला नो रे दुश्मनी काय होती काय दुश्मनी काय दुश्मनी उपवास चिडके करी तुम्ही हाताते डॉक्टरच्या वर काय केली
कशामुळे पडणार प्रतिमा पे क्या करी प्रतिमा वर काय करली होती तू तिला कशा मध्ये खाऊ घातली होती प्रतिमाला प्रतिमा घेतली तू केस बाळ कपडा काय घेतली होती तिच्या ड्रेसमधून दोरी घेतली ड्रेस मी की दोरी घेतली तवा घेतली होती ते किती जय श्री चा जीव कवा घेणार होते दोन महिन्याच्या नंतर मुशाला पौर्णिमाला कवा त्याच्यावर वार करणार होते थोडासा हा दरवाजा फोन करून करतो दुश्मनी काय बी नाही जलके चिडके करी तू तुला राहती तू तेरे बच्चे क्या करते तेरे बच्चे काम करते एक महिना जेवण केलं नाही माझ्या जेवण फक्त एक महिना जेवण पाणी सुद्धा नव्हत माझे बेजा चिडचिड माझ्या रंगाचा दिसतो ठीक है चलो जलाओ इसके अंदर और तेजी से आग लगाओ चलो इसको बन के ले लो जंजीरा डाल के और इसको मार मार के सब इसको खत्म करा के डालो अमल के अंदर ना लायक को इसी क्या औकात है बताओ इसको जकड़ के लो उसको और उन्हें ज्यादा करी दोबारा जादू टोने तो उसके बच्चे पिच्चों को मार के डालो उसके जकड़ के लो उसको तेजी के साथ में कैमरा मेरे तरफ मारो इसमें ये जो मसला है ये इसके कौन है वो रिश्तेदार उसने खिला के करके कुछ हरकतें करी करनी कर डाल के मुद्दत बनी मुठ जिसको बोलते तो किस चीज में खिली बोली मूंग की दाल जोर से बोलो मूंग की दाल हाँ यहाँ बयान हुआ उस रिकॉर्डिंग में मूंग की दाल में और दूसरी बात के इससे पहले घर पे क्या त्रास देती थी वो जोर से बोलो क्या बोले त्रास बोले तो कुछ भी नहीं बच्चों को पढ़ा रही ना छोटी बच्चे को डॉक्टर बना के विदेश भेजने वाले वो नहीं जी इनको तकलीफ क्या हो रही घर पे घर पे हाँ। ये पेट दर्द हाँ। ये पूरे आम में ऐसा सुना टोच हाँ। सबका पूरा जब मैं पढ़ाई कर रहा था स्टार्टिंग में तो नीचे गिर के लौट रहा था पेशेंट उसके पेट में अंगार हो रही थी मांडियों में सब क्यों हो रही थी
क्योंकि दवा डाली अली पेट में और उसके पूरे शरीर के अंदर जलते रहना बोलकर। और दूसरी बात कि दो ही महीने बचे थे, दो साल की मुद्दत थी, उसका ऐसा बयान है वला का। और उसके बाद में क्या बोलते थे, तंत्र मंत्र जादू टोने करके वो उसकी जान लेने के वास्ते कर रहे थे, और वो मराठी में आके उसके अंदर बात कर रही थी, और वो है तेलंगाना के लोग। और दूसरी बात के तुम्हारे कौन है उनकी वो रिश्तेदार है वो सब मैं एकदम मालूम है नामा वामा, नेक्स्ट राउंड में नाम पूछा दूंगा इंशाल्लाह। अभी उसको जकड़ के और सही तरीके से उसको पूरा भस्म करने की देर करेंगे। ये लगा हुआ शैतान जादू टोना वो सब ऐसे अलग अलग रहते हैं, उसमें अलग अलग पार्ट से अलग अलग थेरीज है उसके समंदर सब एक इल्म बोलते ना कि समंदर है, वो एक किस्म का समंदर है, बन के डाल के उसको मार मार के खत्म कराओ सब। और दूसरी बात कि यहाँ ये जो दर है तो यहाँ कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई सिख ईसाई ऐसा नहीं है, सबके वास्ते दरवाजे खुले हैं। ये सूफीज्म सूफी मूवमेंट है और इसके अंदर क्या बोलते हैं तो ऐसा नहीं रहता कि वो आजकल तुम आपको इस दौर में लड़ाया जा रहा तू हिंदू तू मुसलमान तू क्रिश्चियन तू ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं। सूफीज्म पढ़ो तुम आपको समझ में आएगा कि सबके वास्ते इंसानियत के वास्ते जीते और इंसानियत के वास्ते यहाँ पर सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। ऐसा नहीं है कि कल फोन आया था मुझे पूछ रहे थे कि हम बोले हिंदू लोग आए आना के लिए, अरे मैं बोला कौन से दुनिया में जी रहे, मेरे वीडियो देखो तुमको पता चलेगा। मैंने हिंदू को भी राइड करा, मैंने मुसलमान को भी करा, मैंने क्रिश्चियन को भी करा, मैंने सिख और ईसाई को भी करा, उसके अंदर सब है वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग में सब तुम देख लो, मैं मेरी जबानी क्या बयान करूं। और ये दर है, ये दर है मुस्तफा गुलामों का दर है, इधर से तुमको फैज और अल्लाह क्या बोलते तो इधर से सबको फैज देता है और सबको, क्योंकि आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला का घर है दर है, और दर मुस्तफा के घराने से अल्लाह आज भी दुनिया को फैज जारी कराता है। इमाम हसन हुसैन की औलादों में से है तो इसलिए देखो आज भी पंजतन पाक का सदका अल्लाह का सब दुनिया को करता देता। और बार बार यही कहूंगा मैं कि सबके लिए चालू है, ऐसा सोचो मत, ऐसा तुम लोगों को आपस में ये लोग लड़ा के भेदभाव करेंगे, हमारे पास में क्या है, यहाँ तो अल्लाह के हुक्म से सबको मैं एक साथ राइट करा, सब है मेरे पास में, मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, मेरे दिल में है ही नहीं ना भेदभाव, मैंने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, वैसे मैंने दीन और हदीस और कुरान की तालीम ऐसी लिया ली है कि तुमने हकीकतन मायनों में कुरान को पढ़े नहीं, तुमने हकीकतन मायनों में हदीसों को पढ़े नहीं, इस्लाम को पढ़े नहीं, इस्लाम की स्टडी नहीं करे, इस्लाम के दुश्मनों ने तुम्हारे दिल दिमाग में ऐसे बातें बिठा दिए कि तुम इस्लाम वाले जहादी रहते, इस्लाम वाले गलत है गलत है गलत बिठाए तुम्हारे जहन के अंदर, उन्होंने ऐसा करते कट्टरवाद रहते वो सब गलत है। इस्लाम तो दुनिया के अंदर पीसफुल ऐसा मजहब है जो कि बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, इस्लाम आने के बाद ही तो बेटी को जमीन से क्या बोलते तो राहत मिली, बेटी को चिताओं पर लिटा कर जला दिया जाता था। इस्लाम ने तो ये सब बातों का विरोध करा, इस्लाम ने तो गुलाम को गुलामियत से आजाद कराने का हुक्म दिया, हर मजलूम का साथ देने का हुक्म दिया, जुल्म को मिटाने का हुक्म दिया, जुल्म करने वाला भी गुनेगार है, जुल्म देखने वाला भी गुनेगार है और जुल्म सहने वाला भी गुनेगार है। क्यों फिर बोला तो ये सारी अच्छी बातें बताए वाली है, ये समझो तुम्हारे दिमाग से अच्छे ही निकाल के निगेटिव बातें बिठाने की कोशिश करते बदमाश लोग, मगर ये गलत है। देखना इस्लाम क्या है तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को देखो तुम, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को देखो तुमको, देखना इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह को देखो, देखना है तुम्हारे इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह को देखो, साबिर पिया कलियर शरीफ को देखो, तो तुमको पता चलेगा ये कैसे बातें थी कैसे मामला थे, कि इंसानियत से मोहब्बत करे और अल्लाह और उसके रसूल के रस्सी को मजबूती से थामे, और कुरान लोगों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए उतरे आला है, कुरान मुसलमानों को दहेज में नहीं मिला, मुसलमानों की चूंकि विरासत नहीं है, वो हिंदू की भी उत्ताच उस पर हक है, मुसलमान का भी उत्ताच है, सबका हक है, पढ़ो उसको और समझो तुमको बहुत बड़ी किताब मिली आली है। तुम अगर क्या बोलते तो पढ़ेंगे तो उसका फैज तुमको मिलेगा, उस दरिया से तुम फैज याब होंगे, वरना किसी का कुछ नहीं जाएगा। तुम नहीं पढ़ेंगे तो ना मांगे सीख दर दर मांगे भीख, पढ़े तो अल्लाह तुम आपको पढ़ने की बरकत से दुनिया की दौलत से भी नवाज देंगे और दीन की दौलत से भी नवाज देंगे, तुम्हारे सारे परेशानियां आफतें वबाएं बलाएं टाल देंगे रब्बुल आलमीन। तो इसलिए बेहतर है कि वबाओं से ये बलाओं से सबसे तुमको महफूज रखता अल्लाह का कलाम, जो तुम थोड़ा पीछे जाओ, जो तुम समझते, जो तुम बोलते कि दुनिया के अंदर क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे समझ कर बोला करो लोगो। तुम्हार को मैंने आजकल देख रहा हूं माज अल्लाह तुम्हारे अल्लाह को बुरा बोलने लगा रहे,
तुमको मालूम है अल्लाह को कौन है, तुमको बोल रहे कि वो हिंदू के कुछ नौजवान लड़कों का सब, अल्लाह को बुरा भरे तुम्हारे को बेवकूफ, तुम्हारी तकदीर जल जाएंगी। तुम बोल रहे किसका कुछ नहीं जाएगा, बोलने वाला हट जा रहा साइड में, लेकिन तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, तुम नहुसतों में गिर जाएंगे। क्योंकि अल्लाह कौन है, उसको अरबी के अंदर अल्लाह बोलते, उसको उर्दू में खुदा बोलते, उसको हिंदी में ईश्वर बोलते, उसको संस्कृत में भी ईश्वर बोलते और उसको इंग्लिश में गॉड बोलते। वही तो अल्लाह है, सारे नामान जिसके अलग अलग हर ख्याल है तो वो तो अल्लाह है। सारे मजहबों को पढ़ लो, कौन सब मजहब पढ़ लो, सारे मजहब के अंदर लास्ट में सारे मजहब का निचोड़ कंक्लूजन उसकी थ्योरी का जो भी निकलता तो वो जाता ईश्वर से जाकर कनेक्ट होता ईश्वर, यानी कि उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो जो ईश्वर है जिसको महसूस किया जाता, वो ईश्वर को तुम गाली दे रहे। किसका, उसका नाम अल्लाह है, उसको ईश्वर बोलते। अर्थ ईश्वर स्तुति प्रथन पास न मंत्र, क्या मतलब हो रहा है इसका, वो ईश्वर एक है। अर्थ ईश्वर स्तुति प्रथन पास न मंत्र, अगर उसको मैं अरबी में बोलूंगा तो क्या होगा, अल्लाह अहद, कह दो अल्लाह एक है। अगर मैं उसको मेरे तरफ से अरबी में बोलूंगा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और उसको मैं संस्कृत में बोलूंगा अर्थ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, फिर किसको बुरा बोल रहा, बेवकूफ, वो ईश्वर एक है। इसका मतलब इसका तरह ट्रांसलेट, अर्थ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, वो ईश्वर एक है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। वो ईश्वर जगत का रचना रचने वाला है, जगत को बनाया, ब्रह्मांड की रचना रचा, इसलिए उसको ब्रह्मा कह दिए तुमने। वो ईश्वर जगत को पालनहार है, इसलिए तुमने उसको विष्णु कह दिए। वो जगत में जला ली है तो इसलिए तुमने उसको, जली लो खद्र है इसलिए तुमने उसको शंकर कह दिए, जबकि तुमने ही मूर्तियां बना दी। और जबकि वो खुद फरमाता कि तुम सनातन या शाश्वत धर्म के लोग हो, सनातन और शाश्वत धर्म के मायने मैं तुमको पढ़ाऊं क्या, तुम्हारे किताबों में से पढ़ो तुमको समझ में आएगा। उसका मतलब ये होता कि कोई भी सनातन या शाश्वत धर्म, वो धर्म कि जो लोग जो फॉलो करते धर्म को, तो वो एक ईश्वर को फॉलो करते हैं, उसका मतलब जिसकी कोई प्रतिमा कोई शक्ल नहीं है, फिर तुम ये सब क्या कर रहे हैं। भगवान देवता, जन्म देने वाला, बताया ना मैंने इससे पहले, माँ बाप को भी देव बोल सकते, सूरज किरने दे रहा उसको भी देव बोल सकते, क्योंकि उस किरने दे रहा सूरज धरती को, तुम्हारे को जमीन माँ इस वास्ते बोल सकते, वो तुम्हारे अनाज हुआ कि देरी देव, और जन्म देने वाले माँ बाप देव, देव से बड़ा रहता भगवान, ज्ञानी भगवान के पास देवा जाते जब उनका काम नहीं होता तो, और भगवान के पास जब पहुंचे तो भगवान आंख बंद करके बैठे लास्ट में काम हो जाने के बाद, सब सबकी मूर्तियों को देख लो, तुमको भी बता दिया गया मूर्तियों के अंदर भी तुमको, तुम देख सकते तुमने क्या बनाए, कि वो आंख बंद करके बैठते हो सब जितने भी है, तो वो ध्यान लगाते, किसका ध्यान लगाते हो, वो ध्यान इस वास्ते लगाते शक्ति बढ़ाने अपनी, तो किसको शक्ति बढ़ाने के वास्ते याद करते हो, वो परमात्मा को जिसने आत्मा की रचना रचा, और वो परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, उसको सिर्फ महसूस किया जाता। हर धर्म के अंदर का निचोड़ है वो लास्ट में, तो उसको तो अल्लाह बोलते अरबी में, उसको तो इंग्लिश में गॉड बोलते, उसको तो ईश्वर बोलते हिंदी में और संस्कृत में, और उसको तो उर्दू में खुदा बोलते। तुम बेवकूफ हो गए तुम लोग, अगर उसको गालियां देंगे तो फिर तुम कहां जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भटकेंगी, कहां भटकेंगी, फिर जहन्नुम के अंदर जाके, नर्क जिसको बोलते, जहन्नुम उसको उर्दू अरबी में बोलेंगे और नर्क उसको तुम्हारे जबान में बोलेंगे, और उसको और भी बहुत सारे हर जबान के अंदर बोला जाता, तो ये सब हर जबान के अंदर तो है ना मौजूद अवेलेबल, तो किस चीज का तुम इनकार कर रहे, तुम सिर्फ गॉड मैसेंजरों का इनकार कर रहे, बात स्टेप बाय स्टेप जो गॉड मैसेंजर चेंज होते गए तुम उनका इनकार कर रहे, तो वो बात और है, मगर तुम डायरेक्ट ईश्वर को गाली दे दे रहे, तो वो तो फिर तुम खत्म, तुम्हारा तरक्की जो होने वाली है दुनिया में वो भी जाती है, दुनिया भी गई आखिरत भी गई। तो इसलिए समझो नौजवान नस्लो, तुम्हारा बहुत बड़ा बेवकूफ बना के इसे बुरा बोलने लगा रहे, किसको बुरा बोल रहा, तो बोलने से पहले समझ ना इंसान, तू क्या बुरा होने वाला उसका, उसको तू बुरा बोलेगा तो उसका क्या बिगड़ने वाला है, उसके बता दिया ना मैंने नाम सब, इसमें उसको अलग अलग पुकारते, बर्बाद तू हो जाएगा, गर्व तू हो जाएगा, तेरी नस्ल खराब हो जाएगी, तुझे एक बीमारी दे दिया उन्हें तो क्या करेगा, तू को जूझ सकेगा वो बीमारी से, लड़ सकेगा, अरे सब मोहताज है उस ईश्वर के, उस अल्लाह के। इसलिए समझो बार बार मैं तुम्हारे को ये सब बातें इसलिए बताता, और हाँ मैं सबके लास्ट का कंक्लूजन ये बोलूंगा कि कुरान शरीफ जो है वो पढ़ो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई पढ़ सकता है, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने की बरकत से क्या पता अल्लाह तुम्हारे को दीन और दुनिया की दोनों भी दौलत से नमाज देगा, इसलिए पढ़ो, तुम्हारी दुनिया आखिरत सब सवर देंगी और संभलेंगी, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता, जो ना मांगे सीख फिर वो दर दर मांगे भीख, फिर ऐसे हाल हो जाते और किसी घर में शैतान और किसी के आंग में घुस जाते ना ये जादू टोने, ये बहुत परेशान करते इंसान को, तबाह बर्बाद करके लास्ट में ले जाके गर्क करके पहुंचा देते शमशानों को, खबरस्तानों को, क्योंकि ये बहुत बुरी चीजें हैं, और इसको तुम्हारे प्रोटेक्ट करने के वास्ते वो ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, इबादत जिक्र अस्कार करना पड़ेगा, उसकी जिक्र में खो जाएंगे तो फिर तुम महफूज हो जाएंगे, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता। कहां से आए थे,
चलो ये दरवाजे डोर।